डॉक्टर और पुलिस के बाद पत्रकार ही हैं जो कोरोना महामारी में भी जनहित के कार्यों को देखते हुए आम जन तक हर खबर पहुंचाने में लगा हुआ है। इसी को देखते हुए करनी सेना द्वारा इंदौर प्रेस क्लब के महासचिव हेमंत शर्मा को स्वास्थ्य उपकरण भेंट कर पत्रकारों के स्वास्थ्य को लेकर मंगल कामना की गई। पत्रकार कड़ी धूप में कोरोना महामारी जैसी बड़ी आपदा में भी दिन रात जनहित को लेकर जनसंपर्क का कार्य संभाले हुए हैं, जिसको लेकर कई सामाजिक संगठन पत्रकारों के हित में और उनके स्वास्थ्य के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में करनी सेना द्वारा पत्रकारों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इंदौर प्रेस क्लब पहुंचकर प्रेस क्लब के महासचिव हेमंत शर्मा को भाप मशीनें उपलब्ध कराई। करनी सेना के अनुराग प्रताप का कहना है कि जो भी पत्रकार के परिवार में बीमारी से ग्रसित होता है उन्हें विजयनगर स्थित श्री मेडिकल से निशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी। क्या आज प्रेस क्लब में आने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस हिसाब से कोरोना काल में आखिरी वर्ष 2020 से अभी तक जिस प्रकार से डॉक्टर पुलिसकर्मी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से पत्रकारों का भी उसमें विशेष योगदान रहा है। दिन रात मेहनत करके हर आम जन तक सही खबर पहुंचाना, चाहे वो प्रशासन को जागरूक करना हुआ, चाहे वो उनकी नाकामियां बताना रहा, पत्रकार ने हर समय अपनी पूरी ताकत से काम कर ग्राउंड पर मेहनत कर अपनी मेहनत से आज जनता को हर एक ज़रूरी संदेश पहुँचाया है। आज प्रेस क्लब में हमारे संगठन श्री राजपूत करनी सेना द्वारा 100 भाप की मशीनें जो कि पत्रकार महोदय को दी गई हैं और एक मेडिकल नियुक्त किया गया है मेरे द्वारा, जहां ये श्री मेडिकल है विजयनगर चौराहे पे 78 स्कीम में, वहां पर किसी भी पत्रकार बंधु को या उनके परिवार में अगर कोई बीमार पड़ता है कोरोना की वजह से तो जो भी मेडिसिन होंगी शर्मा जी को हमने बता दिया है, शर्मा जी आदरणीय हमको व्हाट्सअप कर देंगे, मेरे को मैं वो निःशुल्क प्रदान करूँगा। पत्रकार खबरों के हर पहलू पर है हमारी नज़र, सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट, मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़ें हमारा ई पेपर, एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो, मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें, अभी इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। शहर में ऐसे कई सामाजिक संगठन हैं जो पत्रकारों के हित में और उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार मदद का हाथ आगे बढ़ाकर उनकी मदद कर रहे हैं। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी बाजपेयी की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।